बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसी शेड पे हमें सांप नहीं मिला था, तो आज मैं सांप पकड़ने वाले को लेके आया हूँ। इंशाल्लाह ताला ये सांप पकड़ने को इसको बहुत तजर्बा है, और इस मुर्गियों के अंदर सांप चला गया था तो ये भाई ढूंढ रहा है। तो कल से तो मुझे नहीं मिला हुआ था, ये आपको पता है। अभी हम दूसरी जो हमारा शेड है दूसरी तरफ बना हुआ है उसके तरफ हम जा रहे हैं, तो फिर से यहीं से ही शुरुआत कर रहे हैं। भाई को मैं लेके आया हूँ, वो देख रहा है, उसने स्टिक बेक उठाई है हाथ में, क्योंकि मुझे भी बहुत डर लग रहा था, तो इसी को ये भी कह रहा है। अभी रात का टाइम है तो इसी वजह से ये भी कह रहा है, तो स्टिक हमारे लिए लाजमी है। और इसको वो देखें, वो नीचे देख रहा है अच्छे तरीके से किस जगह बैठा हुआ है। तो दिन को मैंने सारा दिन इंतज़ार किया आज, तो मुझे पता नहीं चला किस जगह पे, लेकिन मौजूद है सही, इधर ही है, उस मुर्गियों के अंदर ही मौजूद है। वो देखें अंदर आप, वो देख रहा है भाई। तो दूसरे तरफ भी चलेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसी वक्त हमारी जो कोशिश है वो बहुत जारी है, पता लग जाएगा ये किस जगह पे बैठा हुआ है। आज इसने सारा दिन मुर्गियों को तंग किया हुआ है, मुर्गियां एक जगह बैठने के काबिल नहीं रही, बहुत सारी मुर्गियों को इसने तंग किया हुआ है। तो देखते हैं आगे चलते क्या होता है। आप जो वीडियो जो है आप एंड तक देखिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, तो ये आज मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। तो साहिल भाई बहुत कोशिश कर रहा है उसको ढूंढने की, और ऊपर भी देख रहा है किसी जगह पे छुपा हुआ तो नहीं है। तो ये एक एक करके चेक कर रहा है और धीरे धीरे चेक कर रहा है। तो मेरा जो दूसरा शेड है उसी की तरफ भी चलेंगे, जैसे ही उसी की तरफ चलेंगे वहाँ भी ढूंढेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग दुआ करें तो हमें वो आ जाए, तो हम उसको निकाल के किसी और जगह छोड़ के आ जाएं। तो चलते हैं दूसरे शेड की तरफ। तो ये मेरा दूसरा जो जाल बना हुआ है शेड देसी मुर्गियों का, तो ये देखें नीचे भी बैठ के हम ढूंढ रहे हैं उसको, तो किस जगह पे वो बैठा हुआ है वो देख रहा है साहिल भाई उसको, उसके हाथ में स्टिक भी है। तो ये देखें हमारी ये भी मुर्गियां बैठी हुई है, तो वो देखें हम नीचे भी आपको दिखा रहे हैं, ये देखें आप, तो इसको ये देखें, अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहा किस जगह पे छुपा हुआ है, क्योंकि इधर जाल हमारे बहुत सारे पड़े हुए हैं। ये देखो बहुत सारे जाल पड़े हुए, मैंने सारी मुर्गियां बाहर निकाल दिए ताकि हमें पता लग सके अच्छी जगह पे, जहां भी है तो हमें पता लग सके। ये नीचे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये देखें आप, अभी तक हमें मिला नहीं है। तो यहाँ पर हमारी एक छोटी मुर्गियाँ हैं, वो भी बैठी हुई हैं, बाकी वो वहाँ भी बैठी हुई हैं मुर्गियाँ, देखें आप। तो साहिल भाई की जो कोशिश है वो जारी लगी पड़ी है, वो ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा है तो हमें मिल जाए। वो देखें वो हेठ नीचे बैठ गया है, अभी मैं उससे दूर हूँ, उसने मुझे कहा है आप दूर चले जाएं। तो इसमें से अभी रात का टाइम है, तो दिन को तो हमें नहीं मिला, लेकिन दिन को तो हमें नहीं मिला। ये देखें आप, कोशिश इसकी जारी है, आप दुआ करें तो हमें सांप मिल जाए। तो मैं आपको देखें आप उसकी कोशिश, ये देखें आप वो किस तरीके से उसको ढूंढ रहा है, ये देखें
वो नीचे ऊपर उसको देख रहा है, क्योंकि इधर जो जगह हुई है कोने में अंदर चला गया तो फिर तो हमें पता भी नहीं लगे पा नहीं लग सकता किस जगह पे हैं। ये देखें उसकी कोशिश, इधर आप देख सकते हो, इधर भी आप देख सकते हो, हर जगह पे वो ढूंढने की कोशिश हो रही है। ये देखें आप, तो अक्सर ये इसीलिए आते हैं, मुर्गियों के अंडे जो होते हैं और बच्चे जो होते हैं उनको काट लेते हैं और अंडे वगैरह जो है तोड़ के वो मुंह में निगल लेते हैं। तो साहिल भाई ने बहुत कोशिश कर रहा है, उसने मुझे कहा आप दूर हट जाएं, मैं खुद ही देख लूँगा, क्योंकि हम उसको ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये देखें आप, ये देखें।